रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं जानकी कुमारी, अनुबंध सहायक प्राध्यापक, गुरंडा कॉलेज रांची। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 DSEC 3 झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद भगवान बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। पिता का नाम शुभना मुंडा और माता का नाम करमी था। उनका जन्म छोटानागपुर के मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह छोटानागपुर पठार में निवास करते थे। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक पढ़ाई सलगा गांव में हुआ। बाद में चायबाशा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए। उनका मन हमेशा अपने समाज के ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते रहते थे। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। बिरसा मुंडा वह आदिवासी जिसने ब्रिटिश सरकार से लड़ी जल, जंगल और जमीन की दावेदारी की लड़ाई। बिरसा मुंडा का कहना था, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तैनी और उसके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। बिरसा की याद में शीर्षक से यह कविता आदिवासी साहित्यकार हरि राम मीना ने लिखा है। उलगुलान यानी आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन पर दावेदारी का संघर्ष। बिरसा मुंडा भारत में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। अंग्रेज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जंग जाहिर थी। सिर्फ 25 साल के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था था। आदिवासियों को अपने इलाकों में किसी भी प्रकार का दखल मंजूर नहीं था। कारण यह रहा कि आदिवासी इलाके हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे, लेकिन तमाम षड्यंत्रों के बाद वे आखिर घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली जंग। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा, पर ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिए, क्योंकि बिरसा का मन बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागृत किया तथा आदिवासियों की परंपराओं को जीवित रखने के कई प्रयास किए। आदिवासियों के धरती पिता 1894 ईस्वी में बारिश न होने से छोटानागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे संपदा से
अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाल बीमारियों का इलाज करने के प्रति जागरूक किए। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के दो गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी गई और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों जमींदारों व महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इस शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूकी बिरसा ने। अपने लोगों को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए बिरसा ने उलगुलान जल जंगल जमीन पर दावेदारी की अलख जगाई। हमारा देश हमारा राज। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। यह सिर्फ कोई बगावत नहीं थी बल्कि यह तो आदिवासी स्वाभिमान स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे और भ्रष्ट जमींदार व पूंजीवादी बिरसा के नाम से ही कांपते थे। अंग्रेज सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां हुई पर हर बार अंग्रेजी सरकार ने मुंह की खाई। अंतिम यात्रा जिस बिरसा को अंग्रेजों की तोप और बंदूकों की ताकत नहीं पकड़ पाई उसको बंदी बनने के कारण अपने ही लोगों का धोखा बनी। जब अंग्रेजी सरकार ने बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपया की धनराशि के इनाम की घोषणा की तो किसी अपने ही व्यक्ति ने बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेजों तक पहुंचाया। जनवरी 1900 में उलिहातू के नजदीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मर गए। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची के कारागार में आखिरी सांस ली। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का आगाज किया वह आदिवासियों को हमेशा प्रेरित करती रही है। हिंदी साहित्य के महान लेखिका व उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दलालों दावेदारों में बिरसा मुंडा के जीवन व आदिवासी स्वाभिमान के लिए उनके संघर्ष को मार्मिक रूप से लिखा गया है। आज भी बिहार उड़ीसा झारखंड,
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका मूर्ति भी लगी है। उनकी स्मृति में रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा उद्यान और मांझी आदि स्थित है। बिरसा के जाने के इतने सालों बाद आज भी उनका संग्राम जारी है। बहुत से आदिवासी संगठन है जो जंगल पर दावेदारी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर बिरसा का उलगुलान जारी रखा है। इन सभी के प्रेरणा स्रोत हैं बिरसा मुंडा। सुनने के लिए धन्यवाद।